कसम तुमको वतन वालों, कभी मायूस मत होना। नमस्कार दोस्तों, रुपेश बांसल आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत कर रहा हूँ। शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स क्लब पक्का चिश्ती व महाराजा रणजीत सिंह यूथ एंड स्पोर्ट्स क्लब फाजिलका द्वारा संयुक्त रूप से शहीद आजम भगत सिंह के शहीदी दिवस पर आज स्थानीय घास मंडी में एक रैली का आयोजन किया गया। यहां पर एक पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया गया। देखिए किस तरह से यहां पर युवा एकत्रित हुए हैं, भगत सिंह के विचारधारा की चर्चा की जा रही है। आरबी लाइव मीडिया पर आपको लाइव दिखा रहा हूं, बने रहे हमारे साथ। देश मेरे मेरी जान है तो दिल्ली वाले बोधले तो प्रेम कुमार महाराजा रणजीत सिंह यूथ एंड स्पोर्ट्स क्लब जिला फाजिलका का प्रेस सकत्तर हाँ। जिहड़ा अज का प्रोग्राम है शहीद आजम शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव 23 मार्च 1907 नूं शहीदी प्राप्त की 1931 नूं शहीदी प्राप्त की उन्होंने बाबत अज का प्रोग्राम लिखा गया। अज की जिहड़ी राजनीति तो उपर उठ के असीं बच्चों नूं नौजवान पीढ़ी नूं आने वाली सारी जनरेशन एक ही मैसेज देना चाहते हैं, बच्चे नौजवान पीढ़ी उन्हां शहीदां की सोच नूं अगे लेके आउण, जिहड़े सुपने उन्होंने अधूरे रह गए सी उन्होंने असीं पूरा करन लई दिन रात एक करके मेहनत करके छोटे छोटे पिंडां च क्लब बना के उस तो बाद जिला लेवल ते असीं इक होर क्लब बनावांगे ते उन्हां दे रहिंदे सुपने सी भगत सिंह राजगुरु सुखदेव दे सुपने पूरे करांगे। जिहड़ा मेन मुद्दा अज दा सी, मेन मुद्दा तुसीं पुछ रहे हो की सी, साडा मेन मुद्दा है वी इन्नियां राजनीतिक पार्टियां जिला फाजिलका दे विच राज कर गईआं, बीजेपी ने भी राज कीता, अकालिया ने राज कीता, कांग्रेस ने राज कीता, लेकिन शहीद भगत सिंह बारे ना ही तो किसी कोई टाइम है, ना ही उन्होंने कोई जगह है, ना ही तो इन्ना वड्डा फाजिलका जिला है शहीद भगत सिंह की कोई लाइब्रेरी नहीं, कोई उन्होंने बुत नहीं, कोई जीवनी बारे उन्होंने किसी को ज्ञान नहीं। सरकार आदियां जांदियां रहिंदियां ने, असीं पिछले 3-4 सालों तो संघर्ष लड़ रहे हैं शहीद आजम शहीद भगत सिंह जी के बुत बारे, सानू जगह दिओ। असीं डीसी साहब ने मंग पत्र लिखिया, एडीसी साहब ने मंग पत्र लिखिया, लेकिन साडी किसी ने अजे तक कोई सुनवाई नहीं की। 6-7 महीने लगातार करवा रहे हैं, एक केंद्र रैली करते हैं बड़े सालों तो। साड़ी मेन जिहड़ी है मंग सी कि फाजिलका शहर वासियों की नौजवानों की कि शहीद भगत सिंह का बुत फाजिलका है नहीं, बड़े इज्जत की डिमांड सी, प्रशासन नाल गलबात चल रही है पर अजे असी किसी सिटे ते नहीं पहुंचे। दूसरा बुत असी लवा के रहेंगे बड़ा सानू कोई संघर्ष भी विटना पवे। दूसरी गल है जी शहीद आजम भगत सिंह जो शहीद होए सही वह बड़े लिटरेचर पढ़ते होंगे सी, उन्होंने एक बुक का पन्ना फोल्ड करके रखता सी, वो फोल्ड करने का कारण यह कि आने वाली पीढ़ियों को खोल के पढ़ूगी, उन्हों का मिशन को असं अगे बतावे जोड़ा उन्होंने अधूरे मिशन उन्होंने पूरा करा उन्होंने इंडिया से चलेंगे। अजक हिंदुस्तान पॉलिटिक्स का टाइम ज़्यादा चल रहा, राजनीति नेता जोड़े वो आदि रोटियां सेकते हैं, ये जोड़े भी जिन्हें भी इतने भगत सिंह के चेते आए हैं देश भगत देश प्रेमी है, कल नूं कोई भी देश के उत्ते विपता पैंदी है जां मुसीबत आउंदी है असीं आपदियां जानां देण तिकर पिछे नहीं हटावांगे। यही साडा मुख्य मंतव है, एक नौजवानों नूं नशे तो दूर रहने की प्रेरणा देवांगे, दूसरा आपसी जिहड़ी खहबजियां छड के एक मंच ते इकट्ठा होकर देश प्रति देश भगती की भावना नौजवानों च पैदा करना साडा मुख्य मंतव है। सेवा देश की जिंदगी है बड़ी औखी, गल ढेर सुनिया ने जिन्हें देश सेवा दे पैर पाया तो उन्हें लख मुसीबत चलिया ने। महाराजा रणजीत सिंह यूथ एंड स्पोर्ट्स क्लब फाजिलका शहीद भगत सिंह यूथ क्लब पक्का चिश्ती वालों पिछले 5-6 सालों तो एक पौधा लाया गया, एक बीज बीजा गया कि पूरे फाजिलका के नौजवान को यूथ को शहीद भगत सिंह की सोच न जोड़िया जाए और असी वो जतन अगे जारी ने और असी उस सफल हो रहे हैं। अज एक चेतना मार्च जिंदा संदेश फाजिलका के लोगों को भगत सिंह की सोच न जोड़ना सी, बड़ी वड्डी गिनती एक ट्रैक्टर का मोटरसाइकिल का गड्डिया का और सैकड़ों की गिनती दे केसरी पग्गां सवर सजा के साडे नौजवान साथी उसका हिस्सा बने हैं और अज एक इनकलाबी स्टेज का इत्थे आरंभ किया गया है और जिसका मेन मकसद जिवें कि मीडिया दे विच जां अगे समय समय सानू सुनने मिलता है
ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਛੇੜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਯੂਥ ਹੈ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗਵਾਹ ਹੈ ਵੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਯੂਥ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਛੇੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਮੀਡੀਆ, ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸਿੱਕ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ 70% ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ 80% ਨਛੇੜੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਾਥੀਓ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਠੱਠਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਥੀਓ ਇੱਕ 23-23 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੈਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ 100 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਲਈ 100 ਸਾਲ ਉਮਰ ਭੋਗਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਔਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆਜਮ ਨੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਔਰ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜੂਥ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ